हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, लेट्स सी व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस. डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय जर्म्स एंड कैन बी पास्ड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, ऐसी डिजीज जो आप सिक पर्सन में से हेल्दी पर्सन में इजीली पास हो जाए, ओके, वो उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, द डिजीज फ्रॉम विच द डिजीज पास फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, सिक पर्सन में से हेल्दी पर्सन में इजीली पास आउट हो जाए, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस. नाउ जर्म्स आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आई. दिस जर्म्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. ओके, जैसे कि जो जर्म्स होते हैं ना, उससे ही डिजीज होती है. जर्म्स इतने स्मॉल होते हैं, ठीक है, जर्म्स मतलब छोटे छोटे कीड़े इतने स्मॉल होते हैं कि आप अपनी नेकेड आई, मतलब आपकी जो आइज है उसे आप देख नहीं सकते, ठीक है, आपको आप अपनी आँखों से जर्म्स को देख ही नहीं सकते, इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं. These germs are called microorganisms. इनको इन germs को बोलते हैं microorganisms. Micro मतलब बहुत ही छोटे organisms होते हैं और उसका दूसरा नाम है microbes. उसको आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ओके, और इन germs से ही क्या होती है diseases, ओके, इन छोटे छोटे germs से ही disease spread होती है. Now bacteria, fungi, protozoa and viruses are the four types of microbes. यहाँ पे microbes के types हैं, ये four types के होते हैं, ठीक है, bacteria, fungi, protozoa and viruses, ये याद रखना four types के microbes हैं. Some of the diseases caused by these microbes are given next. Okay, let's see कि disease, okay, first is bacteria, okay. बैक्टीरिया जो है आप पिक्चर में देख सकते हो कि बैक्टीरिया से क्या होता है, कौन सी डिजीजेस होती हैं बैक्टीरिया से, कॉलेरा, प्लेग, ठीक है, टिटेनस, टाइफॉइड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस. अगर ये बैक्टीरिया, ठीक है, आप देख सकते हो ये बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया से आपको डिजीज़ हुई है तो आपको ये सारी डिजीज़ हो सकती हैं. ओके, अगर वायरस होगा, आप पिक्चर में देख सकते हो कि अगर वायरस से डिजीज़ होगी तो आपको कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, रैबिस, एड्स एंड पोलियो, ऐसी डिजीज़ हो सकती हैं अगर आपको डिजीज़ वायरस से हुई है. अगर वायरस वाली डिजीज़ है तो आपको ये सारे बीमारियाँ, ये सारी डिजीज़ हो सकती है. नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. अगर प्रोटोजोआ हैं आपकी डिजीज़ का रीज़न, अगर प्रोटोजोआ हैं तो उससे आपको मलेरिया एंड अमीबॉइक डायसेंट्री हो सकती है, ठीक है. अगर प्रोटोजोआ से आपको डिजीज़ हुई है तो ये दोनों बीमारियां आपको आ सकती हैं. लास्ट इज फंगाई, एथलेटिस फूट एंड रिंगवॉर्म इन्फेक्शन. ये देख सकते हो पिक्चर में कि अगर आपको फंगाई से डिजीज़ हुई है, फंगाई हैं आपके जर्म्स, तो आपको ये दोनों डिजीज़ हो सकती हैं. ओके, तो ये मेनली फोर हैं, फोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई. ओके, बैक्टीरिया से कौन से डिजीज़ होते हैं ये हमने देखे, वायरस से कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड एक्सेट्रा, प्रोटोजोआ से मलेरिया, फंगाई से एथलेटिस. ओके, ये सारी डिजीजेस अगर बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ एंड फंगाई, ये फोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हो सबके स्ट्रक्चर, सबके फिगर्स. ओके, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, आप अपनी ये नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते. ओके, पिक्चर में आपको जो दिखाए गए हैं वो माइक्रोस्कोप में देख सकते हो आप, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई है ना, वो माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो. ओके, ये पिक्चर उसी माइक्रोस्कोप से क्लिक किए हुए हैं. नाउ लेट्स सी, जर्म्स आर फाउंड एवरीवेयर. आपको पता ही है कि हर जगह जर्म्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है, जर्म्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो प्रेजेंट होते ही हैं एवरीवेयर, ठीक है, आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है, बाहर जाओ, घर में भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स तो होते ही हैं. दे ग्रो रैपिडली वेर एवर दे गेट वार्म फूड एंड एयर. ओके, दे ग्रो रैपिडली,
वो है ना जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। हमको कैसे टाइम लगता है कि हमारे एक ईयर के बाद हम लोग एक साल बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। ये रैपिडली ग्रो, एकदम से जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और एकदम से ग्रो हो जाते हैं। और अगर अगर उनको वार्म फूड एंड एयर, ये तीनों कंडीशन मिल गई तो वो रैपिडली ग्रो हो जाते हैं। ओके, दे कैन एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग थ्रू द नोज और माउथ और थ्रू एनी कट्स इन स्किन। ओके, ये जो छोटे छोटे जर्म्स हैं ना, वो हमारे बॉडी में आते कैसे हैं, आपके नोज़ के थ्रू आते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के नोज़ के थ्रू। सपोज़ आप सांस ले रहे हो, ठीक है, ब्रीद इन कर रहे हो, तो एटमोसफियर में तो बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट होंगे, ओके, तो उसके थ्रू आपकी बॉडी में जाएंगे। सेकेंड है माउथ, ठीक है, अगर आप खाना खाने के लिए माउथ को ओपन करते हो, ओके, या तो बोलने के लिए, आप कभी किसी के साथ बात करते हो, ओके, बात करने में भी आप माउथ ओपन करते हो, तब क्या होता है कि आपके एटमोसफियर में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वो क्या चले जाते हैं आपके माउथ के अंदर। तो नोज़ के थ्रू जा सकते हैं आपके बॉडी के अंदर, माउथ के थ्रू जा सकते हैं और थ्रू एनी कट्स इन द स्किन। अगर आपकी स्किन में कोई कट लग जाए, ठीक है, कोई आपको कट लग जाए आपकी बॉडी में, कहीं पे भी ब्लड निकलता है वहाँ से, तो वहाँ पे क्या होता है, कट हो जाता है, तो वहाँ से भी जो जर्म्स होते हैं वो एंटर होते हैं आपकी स्किन के अंदर। ओके, तो नोज़, माउथ एंड थ्रू स्किन, ये तीनों से ये जो जर्म्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। ओके, सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, सो लेट्स प्रोसीड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।